दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। पुलिस अध्यक्ष बुरहानपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शाहपुर गिरवर सिंह जलोदिया के नेतृत्व में थाना शाहपुर की टीम जिसमें उन्हीं हेमेंद्र सिंह चौहान प्रहार गणेश पाटिल आर सोहन द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक MP68H0154 में अनाज की हेराफेरी करते हुए तीन आरोपी शेख आसिफ पिता शेख लाल उम्र 37 वर्ष निवासी शिवाजी नगर लालबाग, दूसरा गौरव पिता गोकुल सिंह ठाकुर उम्र 28 साल निवासी इच्छापुर तथा तीसरा रमेश पिता हीराबन हरने उम्र 49 साल निवासी शिकारपुरा को पकड़ा गया एवं इनके कब्जे से 42 थैलियों में 20 क्विंटल शासकीय अनाज चावल कीमती करीबन 1,00,000 रुपए का जब्त किया गया है। शाहपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 759 22 धारा 779 411 311 आवश्यक वस्तु अधिनियम का दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से आरोपी गौरव ठाकुर बोरसल एवं वारोली का सेल्समैन है जिसके द्वारा शासकीय अनाज की चोरी करके आरोपी ट्रक ड्राइवर शेख आसिफ के माध्यम से शिकारपुरा निवासी आरोपी रमेश हरनी को बेचा जा रहा था। आरोपी गौरव ठाकुर द्वारा अनाज को शासकीय PDS के बोरे से सामान्य थैलियों में भरकर बेचा जा रहा था। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है जिनसे और भी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। बुरहानपुर से अनिल महाजन की रिपोर्ट। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक PDS का ट्रक जो है वो पकड़ाया गया है जो जिस गंतव्य स्थान पर उसको जो PDS का माल होता है वो देना था वहाँ पे ना देते हुए उसके द्वारा जो है वो अलग जगहों पे खाली किया जा रहा था और अलग अलग बोरों में भरा जा रहा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, मुकदमा कायम कर लिया गया है 379/411 और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत मामला कायम करके तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है जो मौके से ही गिरफ्तार किए गए। एक आसिफ नाम है, एक गौरव ठाकुर है जिसके पास PDS का ठेका था और एक रमेश करके है जो खरीदने के लिए आया हुआ था। तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।